हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आप सबको मेरे इस नए वीडियो में स्वागत है। इस बार हम मैं आपके लिए लेके आऊँ बचपन का मेरा एक खिलौना। बचपन में मैं इससे बहुत खेला हूँ, हम लोग दोस्त मिलके इससे खेलते थे बहुत सारा चीज़। ये है एक जो केले का पेड़ रहता है ना, उसका एक जड़ जड़ तो नहीं बोलेंगे, इससे डाली, एक केले का पत्ता, केले का जो पेड़ होता है ना उसमें एक डाली रहता है। डाली को हम लोग काट के ये बनाते हैं ये चीज़। ये डमरू की तरह, देखिए आप सुन सकते हैं, डमरू की तरह बजते रहता है। इसको बजा बजा के हम बचपन में खेल रहे थे, तो इससे बहुत यादें भी जुड़ी हुई है हमारे साथ। तो इससे हाँ जो हम ट्राई करने वाले हैं, ये फिर से आपको दिखाने वाले हैं ये कैसे बनने वाले हैं। तो वीडियो पे एंड तक जरूर बने रहिए, और वीडियो अच्छा लगे वीडियो कीजिए लाइक, चैनल पे नए हैं चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और हमें दीजिए स्माइल। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए, लास्ट में एंड में आपके लिए सरप्राइज़ है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे हाथ में है केले का एक डाली, इसको मैंने साइज से काट लिया है। अब इससे हम बनाएंगे वो डमरू। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो केले का डाली है ना, जो इसका मैंने साइज से काटा है, उसको पहले हम बीच में से काटेंगे। देखिए जैसे ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, वहीं से हम उसको काटेंगे। उसको बीच में जब काटेंगे, उसके बाद उसको हल्का सा साइज करके उसको हल्का सा टेढ़ा करना है, जस्ट। जस्ट उसको हल्का सा तोड़ देना है, क्योंकि तोड़ने से ही वो फ्लेक्सिबल बन पाएगा। तोड़ने के बाद ही उस पर यह असर होगा। देखिए जैसे मैंने तोड़ा वैसे ही तोड़ना है, फिर उसके बाद बन जाएगा आपका डमरू। ये जो तोड़ा हुआ हिस्सा वहाँ पे जब टकराएगा तब वो बनेगा डमरू। तो चलिए देखते हैं कैसे बसता है। तो वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे वीडियो कीजिए लाइक, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, हमारा मोटिवेशन यूं ही बढ़ाते रहिए। और आपके पास कुछ आइडियाज़ है तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। तब तक के लिए गुड बाय।